रही मन चुप है वे बैठिए, देख दिनन का फेर। जब नीके दिन आएंगे बनत न लागे देर। बाबा रहीम दास का ये दोहा है कि जब बुरे दिन हो तब चुप बैठ जाना चाहिए, जब अच्छा समय आएगा बनते देर नहीं लगेगी। जय सियाराम, जय बागेश्वर धाम की। ताली और गाली, मेरे यारो दोनों से दोस्ती खराब, ताली से भी और गाली से। संसार बड़ा अजीब है। अभी हमने बहुत आंखों से एक दृश्य देखा, भारत वर्ल्ड कप हारा वनडे का, लोगों ने खूब गाली दी। और हमारा भारत अभी अभी ठीक कुछ दिन पहले T20 वर्ल्ड कप जीत कर आया, लोगों ने ताली दी। हमने एक बात समझ ली, ताली और गाली दोनों साथ साथ चलती है। एक बात याद रखना, लोग आपके साथ नहीं है, आपकी परिस्थितियों के साथ है। परिस्थितियां बेहतरीन होगी तो आपको ताली मिलेगी, परिस्थितियां बेकार होगी तो लोग आपको गाली देंगे। उपाय और समझदार व्यक्ति वही है, बुद्धिमान वही है जिसके अंदर के किवाड़ खुल जाएं, आनंद लबालब भरा है, बस आपको उसको उसमें डूबना है। तो आप करो क्या, रहीम दास जी का जो दोहा हमने पहले बोला ना, उसको जीवन में उतार लो। रहीमन चुप हबे बैठिए, देख दिनन का फेर। जब नीके, नीके मतलब अच्छे, जब नीके दिन आएंगे बनत न लागे देर। जब अच्छे दिन आएंगे बनते देर नहीं लगेगी। और ये प्रेजेंट में, वर्तमान में, इस T20 वर्ल्ड कप के विजय से बेहतरीन कोई भी उदाहरण नहीं है कि लोगों ने क्या ताली बजाई और जब हारे थे तो क्या गालियां दी। इसलिए मुस्कुराइए, लोग आपके साथ नहीं है, आपकी परिस्थिति के साथ है। हम ऑस्ट्रेलिया में हैं, आज से कथा प्रारंभ है, बैठे हैं, आनंद है, प्रकृति है, संस्कृति है, यहाँ जो चहचहाट है, यहाँ जो एकांत भी है, जो रस है, बड़ा प्यारा है। समुद्र का किनारा, एक ही दिन में कई मौसम देखने को मिलते। सुबह बारिश हो रही थी, कुछ देर पहले ठंड लग रही थी, अब धूप निकल आई। संसार बड़ा अजीब है, ईश्वर बड़ा अद्भुत है, ईश्वर की माया है। आज से कथाक्रम है, शाम के समय आप सब कथा देखना ना भूलें। भारत के समय अनुसार लगभग 1 बजे से प्रारंभ होगी, यहाँ के समय अनुसार 4 बजे से, 12 या 1 बजे के मध्य में भारत के समय अनुसार प्रारंभ होगी, यहाँ 4 बजे से। जय श्याराम, जय बागेश्वर।